हेलो जी, नमस्ते। आप सबका स्वागत है दी अल्टीमेट खिचड़ी लाइफस्टाइल में। और आज मैं बनाने जा रहा हूँ राजमा, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पर ये राजमा बनाने जा रहा हूँ मेरे स्टाइल में। तो राजमा बहुत ही मुख्तलिफ तरीके के मिलते हैं। एक होता है हल्का लाल रंग का और एक होता है गहरा लाल रंग का। और ये जो राजमा है इसको कहते हैं छित्रा राजमा, छित्रा राजमा कहते हैं इसको। जब मैंने एक ग्लास भिगोया पूरी रात तो इसके साइज इंक्रीज हो जाते हैं, देखिए बड़े हो जाते हैं। जैसे आप दबाएं तो ये दबेगा, देखिए नाखून के निशान पड़े ना इस पे, तो ये दबेगा, टूटेगा, देखिए। सो इसको अब पानी डाल के उबालते हैं। मैंने इस ग्लास के मेजरमेंट के हिसाब से एक ग्लास सूखा राजमा मैंने लिया था पूरा फुल, और ये भीगने के बाद लगभग तीन ग्लास हो गया, जैसे दो ग्लास पूरा और तीसरा ग्लास का 3/4 कप हो गया है, तो लगभग तीन ग्लास हो गया है भीगने के बाद। तो उस हिसाब से आप मेजरमेंट कीजिएगा और भिगोइएगा कितने लोग खाने वाले हैं। फिर जब तीन ग्लास हो गया है ये भीगने के बाद, जब आप कुकर पर डालें तो 1.5 से 2 ग्लास पानी डाल के उबालिएगा। इसको एक सीटी आने तक हाई फ्लेम पे पकाएंगे, फिर इसको सिम करके 10 से 12 मिनट तक पकाएंगे। देखिए इतना बेहतरीन तरीके से पक गया है। यहाँ हमने कुछ मसाले लिए हैं, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून आचारी मसाला पाउडर, आचारी मसाला पाउडर ऑप्शनल है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट नमक और 1 टेबलस्पून सांबर पाउडर और पेपरिका पाउडर 1 टीस्पून कलर के लिए। आमतौर पर आप अदरक लहसुन का पेस्ट इस पे शामिल करते हैं, लेकिन मैंने इस पे अदरक लहसुन, धनिया, जीरा और सूखी मिर्च को मैंने अच्छे से भून के ड्राई रोस्ट करके मैंने उसको ठंडा करके फिर पीस लिया है। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून। गौर फरमाएं, कसूरी मेथी तो सबको ही डालते हैं, पर मैंने इसको अलग तरीके से इस्तेमाल किया है। मैंने इसको भिगा दिया है गर्म पानी में थोड़ा सा, और इसको हम मसाले की भुनाई के वक्त इसको शामिल करेंगे। हमारा कढ़ाई बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है, अब यहाँ हम 6 to 7 टेबलस्पून के आसपास ऑयल ऐड करेंगे। एक टीस्पून जीरा और 1 टीस्पून सौंफ, इसको और 2 तेजपात शामिल करके इस पे डालेंगे हम हींग, इस पे डालेंगे हींग। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे मसाले को। 4 बड़े साइज के बारीक कटे हुए प्याज अब इस पे ऐड करेंगे। इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भुनिएगा। कुछ लोग प्याज को किस कर भी इसमें डालते हैं, आपको जैसी मर्जी वैसे डालें, काट कर डालना हो, किस कर डालना हो। देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है, अब इसमें 2 टेबलस्पून पिसा हुआ मसाला हम डालेंगे। और इसको भूनते वक्त ही हम कसूरी मेथी को इस पर ऐड करेंगे। अब इस स्टेज पे हम जो कसूरी मेथी गर्म पानी में भिगोए थे उसको हम शामिल कर देंगे ताकि और फ्लेवरफुल हो जाए। जैसे मसाला पक गया है तो अब इस पे हम शामिल करेंगे टमाटर। मैंने 5 टमाटर को ग्राइंड कर लिया है,
के अच्छे से ये तमाम मसालों को अब इसमें डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक तेल ना छूटे। इसमें मिर्च भी शामिल कर लें, 3 हरी मिर्चें लिए हैं, स्प्लिट करके डाल दें। अब इसको बीच बीच में हिलाते रहें। चलिए देखते हैं क्या हाल है। वाओ, तेल छूटने लग गया है। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। किस कदर इस स्टेज पे आप नमक भी चेक कर सकते हैं, चेक कर लें एक दफा। मसालेदार, यम यम यम। अब देखिए तेल ऊपर आ चुका है, छूट चुका है बहुत अच्छे से। अब हम शामिल करेंगे राजमा। अगर आपको तरी वाली चाहिए तो आप तरी वाली बना लें, अगर आपको थोड़ा थिक थिक चाहिए तो जैसे रोटी के साथ खाते हैं वैसे चाहिए तो आपको वैसे आप वैसे बना लें। अभी हो गया, इसको ढक देते हैं, ढक के पकाते हैं। थोड़ी ढक के 5-10 मिनट इसमें थोड़ा सा चिकन मसाला शामिल कर लेते हैं। खतरनाक खुशबू देते हैं। तो अब देखते हैं हमारा फाइनल लुक। ये देखिए तेल कैसे ऊपर आ चुका है। अरे इसको मिलाना चाहिए। वाओ, ये जैसे ठंडा होगा और गाढ़ा होते जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड राजमा। चलिए डिश आउट करते हैं और इसमें धनिया पत्ती डालेंगे। जो चावल में मिला के ना खाए ना तब तक राजमा का मजा नहीं। Oh my God, यकीन नहीं मानेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही स्वादिष्ट। जाएं, आप भी जाएं बना के खाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। मजा आ गया, अत्युत्तम। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेसिपी फॉलो करें और रेसिपी मुझे इंस्टा पे टैग करें। मेरा इंस्टा आईडी है ओमकार OMKAR_MEAT।